मैं अनुज कुमार सिंह, अभी आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड के राटन पंचायत में और यहां पर पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। और अगर पैक्स अध्यक्ष अगर धान नहीं खरीदते तो किसान अपना धान कहाँ बेचेंगे? अगर वो बिचौलिए के बीच बेचते तो उनको उचित अनाज का जो दाम होता है वो नहीं मिल पाता है। क्या धान आप जो काट के ले गए तो क्या आपको पैक्स खरीद रहा है? जी ना। उनकी क्या वजह है जो नहीं खरीद रहा है? वो कहता है साफ ही हम लोग नहीं बचित है, हम लोग यहाँ नहीं खरीदेंगे। नहीं नहीं खरीदा है, हमको प्यास धान नहीं खरीदा है, काम को नहीं बचित है बेचो, हमको नहीं बचित है, हम नहीं खरीदेंगे। किसान जहाँ मन है तहाँ अपन गाड़ी खोल को बेचिए अपना। क्या आपके पैक्स अध्यक्ष आपको धान को खरीदता है? नहीं नहीं खरीदता है। तो आप लोग कहाँ बेचते हैं? हम दुकान में गद्दीदार को दे देते हैं। गद्दीदार के आपको उचित मुआवजा देते हैं? नहीं, कैसे देगा? सरकार के हिसाब तो इस वर्ष लागू है 1940 रुपया पर क्विंटल हिसाब से पैक्स वाला धान खरीदता है। उन्हें खरीदता है लेकिन हम लोग गद्दी में बेच लेते हैं, जब नहीं यहाँ बिक्री होता है नहीं लेता है तो हम क्या करेंगे? ये धान को हम लोग औने पौने भाव में मजबूरी में हम लोग जो है ना, जैसे सरकारी मूल्य निर्धारण सरकार करता है 1900, 2000 जो भी, हम लोग 1000, 900 जैसे लोग बोलता है, मतलब क्या बतावे। ये पैक्स अध्यक्ष कारण हम लोग तराई माम में। अगर आपको वो नहीं खरीदता तो क्या अपने घर में वो धान को रखते हैं? जब आपके घर में किसी भी तरह का बीमारी हो तो आप अगर धान बेचना चाहते हैं तो तब आप लोग कहाँ बेचने जाते हैं? दुकान में बिचुलिया आते हैं, बेचते हैं, नुआ के छो लेते हैं सर, और कुछ पैक्स में लिया आते हैं, सुगा में जाके दिया है, कुछ घोड़े में है। कहाँ बेचते हैं? दूसर पैक्स में बेचते हैं। क्या जब आप अपने फसल में जो आप अपना लागत लगाते हैं क्या वो ऊपर हो जाता है? नहीं, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? किसान है, मन चल जाए, जो ही होता है वो करता है, लेकिन नए संसाधन नहीं मिलता हम लोग का, क्या करेंगे? तो आप लोग गुजर बसर कैसे करते हैं? जो आप मिला जुला कर गरीब दुखिया है, मन चले खरते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं सफल मिलता है हमको। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं होते हैं तो आप लोग किसान हैं, जो आप आपका घर बसर कैसे चलता है, घर गुजर कैसे? अब घर बसर आप बता रहे, मजबूरी है, हम लोग किसी तरह जीवन यापन तो करना है। किसान का नाम है किसान, मतलब क्या है शान। लेकिन सरकार के द्वारा सरकारी संस्थान है पैक्स का, हमारे यहाँ का पैक्स अध्यक्ष बिल्कुल निपंगा, मतलब बिल्कुल। इसलिए आज भी राटन पंचायत के किसानों का धान अभी भी कम से कम हमको लगता है कि 1000 क्विंटल होगा। अभी लोग तबाह है। क्या जब आप अपने उस फसल में जब अपना रुपया लगाते हैं तो क्या उस धान से आपका रुपया ऊपर हो जाता है? फसल से रुपया कहाँ से ऊपर होगा? यही भाव ऊपर होगा। फसल से दाम कैसे ऊपर होगा? अब किसान को गैर फाड़ते हैं सब मिल को, तो किसान को गैर देखिए जी क्या हालत है। क्या वहाँ पैक्स वाले उचित आपको दाम देते हैं? उचित दाम कहाँ से दिया? अरे अथी 17 रुपये का दाम दिया है। नहीं, वही में परेशानी है ना, तेरे जब उपजाए अभी मान चले 1300 हम बेच रहे हैं, तो अगर 1940 में मिलता तो कुछ लाभ होकर उसको किसान को चले जाए, जो जिसको हम रुपा लिए उसको देते, लेकिन नहीं मिलता तो क्या करें? अगर आपका पैक्स अगर धान अभी खरीद लेता है तो क्या आप अपने महाजन का जो सूद वो चुकता कर पाते? कुछ करिए ना देंगे, मान चले पैक्स अगर खरीदेगा तो कुछ तो करिए ना देंगे। अभी नहीं होगा आगा होगा, लेकिन कुछ तो बन जाएगा। यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। और अगर पैक्स अध्यक्ष अगर धान नहीं खरीदते तो किसान अपना धान कहाँ बेचेंगे? अगर वो बिचौलिए के बीच बेचते तो उनको उचित अनाज का जो दाम होता है वो नहीं मिल पाता है। तब हमने यहाँ के पैक्स अध्यक्ष के पता करने की कोशिश की कि आप क्यों नहीं धान खरीद रहे हैं यहाँ के किसानों का, तो उन्होंने कहा कि हम अभी दूसरे काम में बिजी हैं, आप बाद में बात करें। और हम जब प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी बातचीत करने चाहते तो उन्होंने कहे हम किसी मीटिंग में हम आपसे हम किसी दूसरे दिन नेक्स्ट डे बात करते हैं। हमारे इस न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।